नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, मैं तेजराम मेहरा आप लोगों के लिए ठेकेदारी से संबंधित बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे प्राइवेट ठेकेदारी के लाइसेंस बनवाना है। दोस्तों, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात का पता नहीं होता कि फर्म क्या होती है या लाइसेंस क्या होता है। दोस्तों, जो प्राइवेट ठेकेदारी करते हैं उनकी अपनी एक फर्म होती है। ये सरकारी इनको लाइसेंस जो होता है इसको वो कहते हैं लाइसेंस कहते हैं। दोस्तों, जब भी आप कहीं काम करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूछते हैं कि आपके पास लाइसेंस है। जो भी कोई कंपनी में जाते हैं तो वो इस तरीके से पूछते हैं कि आपके पास लाइसेंस है या आपके पास GST नंबर है। तो आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये लाइसेंस क्या होता है, क्योंकि ये नए लोगों के लिए है। जो जानते हैं उनके लिए मैं ये चाहता हूँ, मैं सभी लोगों को साथ लेने की कोशिश करता हूँ। नए हैं चाहे पुराने हैं, सबकी बातें करूँगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं वही काम करें, सभी काम करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट ठेकेदारी का लाइसेंस बनाने की बात कर रहे हैं तो लाइसेंस फर्म सब एक होती है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक अपना GST नंबर लेना है। GST नंबर लेने के लिए मैंने वीडियो बता रखा है, GST नंबर कैसे लें, कहाँ से लें, कौन दिलाता है, कौन लेते हैं, ये सारी चीज़ें किसी CA से लेना, ये मैं आपको अभी इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और किसी से लोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और मैं आपसे किसी से कोई ये नहीं कहता कि आप जो मर्ज़ी जिससे भी बनवाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CA से बनवाएंगे तो आपको आगे चल के इसका फ़ायदा मिलता है। आप इन बातों को WhatsApp पे भी मेरे से पूछ सकते हैं, मैंने WhatsApp नंबर भी इस पर चालू कर दिया। दोस्तों, अब आपका GST नंबर हो गया। GST नंबर के लिए आपको ऑफिस वगैरह दिखाना होता है, और GST की जो भी सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आपका GST नंबर 6 से 7 दिन के अंदर आराम से आ जाता है। इसके बाद में आपको करेंट अकाउंट खुलवाना होता है, जो आप बैंक में खुलवा सकते हैं, किसी भी बैंक में हो सके तो आप। वैसे मेरा नज़रिया ये बताता है कि आपको प्राइवेट बैंक में खुलवाना चाहिए, वहाँ पे आपको किसी प्रकार की ज़्यादा सिरदर्दी नहीं करनी होती है, क्योंकि सरकारी बैंकों में आपको भाग दौड़ी ज़्यादा करनी होती है। प्राइवेट बैंक में आप जैसे ही जाते हैं वो पैसे चार्ज करते हैं आपके, ये मत सोचना कि वो फ्री में सेवा देते हैं। सेवा देते हैं लेकिन आपको खड़ा नहीं रहने देते, तुरंत आपका काम कर देते हैं, जाते ही आपका काम हो जाता है, आपका टाइम बचता है। ये एक प्राइवेट बैंकों की फ़ायदा होता है, लेकिन इसका वो चार्ज भी करते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप प्राइवेट की जगह सरकारी में भी करवा सकते हैं। सरकारी बैंकों में भी ये काम अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि बुरा होता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब आपका ये हो गया, इसके बाद में आपका ये फर्म बन के तैयार हो जाती है। आप इसमें लेटर पैड छपवा लीजिए, लेटर पैड के ऊपर आप अपना GST नंबर डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ये सारा कुछ करके तैयार कर लीजिए। ये आपसे इससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखिए। मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ फर्म के बारे में, आपके पास ना फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए। ये चीज़ें होगी तभी जाके ये काम सारे होंगे। ये बन के तैयार हो गया, इसके बाद में आप अपना छोटा मोटा काम चालू कर सकते हैं। जो भी काम आपको मिले आप इस पे आराम से फर्म पे कर सकते हैं। आपको ESIPF नंबर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ESIPF नंबर आपके होंगे तो आपको, ज़्यादा आदमी होंगे तो उसमें ESIPF नंबर भी लेना अनिवार्य होता है। बड़ी कंपनियों में तो ESIPF के नंबर के बगैर आपको काम देते भी नहीं है, लेकिन छोटे मोटे कंपनियों में ये काम आराम से मिल जाता है, आपको ऐसे जगह पे काम मिल जाते हैं। तो इससे आप अपनी फर्म समझें, यही लाइसेंस होता है, कोई अलग से लाइसेंस नहीं होता कि ठेकेदारी का कोई प्राइवेट लाइसेंस अलग होता है, नहीं, इसी को लाइसेंस कहते हैं। यही GST नंबर होता है, यही फर्म होती है, इसको फर्म भी कहते हैं, इसको लाइसेंस भी कहते हैं, इसी से आप सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपना फर्म रजिस्टर्ड करके आप अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जानकारी के लिए आप अपने चैनल पर जाइए और व्हाट्सएप पर आइए, आपको पूरी जानकारी चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।